हेमंत भाई, जय श्री कृष्ण। हेमंत भाई बैठो, दया बैठो। क्या तबीयत तुम्हारी ठीक लग नहीं रही है? मुझे बुला लिया होता मैं आ जाता। क्यों आई तुम? हेमंत भाई, हमारे रिश्ते की नींव तो आदर और प्रेम और विश्वास पे बनी हुई है, पर अब लगता है कि उस नींव में शक की दरार आ गई। 30 साल के रिश्ते में ये कल की आई हुई 10 साल की लड़की दरार डालने में कामयाब हुई। नहीं नहीं नहीं, गलत बात नहीं। बात लड़की की है ही नहीं, बात तो उसूलों की है। तुम जानती हो कि मेरे असूल जो है वो हेमंत भाई, इन्हीं उसूलों की वजह से तो मैंने अपनी नफरत को दूर रख के इस लड़के को अपनाया। कलम में हम जो स्याही भरते हैं वही तो कागज पे उतर आती है ना। मुझे तो लगता है इस लड़के को हमारे खिलाफ भड़का कर ही भेजा था उसकी माँ ने। परवरिश ही सही नहीं हुई है उस लड़की की। दुख की बात तो यह है कि उसके बहकावे में मेरी बच्ची नीला आ गई। पटुक से ज्यादा मैंने नीला को प्यार दिया है। बिन माँ की वो बच्ची बरसों से मुझे माँ कहके बुलाती है, पर आज आप सबको लग रहा है कि कसूरवार तो मैं ही हूं। चलिए हेमंत भाई, आपको अस्पताल में पूछताछ करनी है ना, चलिए मैं भी आपके साथ चलती हूँ। हम दोनों मिलकर पता लगाते हैं कि उस आयशा का कातिल कौन है। ये लोग यहाँ पर भी पहुंच गए। चलन, दिन में ये लोगों को तारे दिखाते हैं। अभी तूने तो मेरे दिल की बात कहती। अब पता, पत्थर छोटे उठाऊं या फिर बड़े? बेवकूफी मत करो तुम दोनों। देखती नहीं कितने आज भी उनके साथ 2 मिनट में हम पकड़े जाएंगे। ओह, ये तो मेरे कंसाइनमेंट वाले ट्रक को आग लगा रहा है। अपनी टेंशन मत ले, उससे ठीक से आग तो जल नहीं रही है। आग क्या लगाएगा वो? ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। मैं कुछ ना कुछ जल्दी करना होगा। बेन, दिमाग नहीं है क्या? आज जल जाएगा तेरा। अच्छा, ये कोई लड़ने की जगह है? चलो भागो ऐसे, यहाँ अभी आग लगने वाली है। मैं तेरे को कहीं देखा है। अरे अंकल, मुझे भी लग रहा था कि मैंने आपको कहीं देखा है। शायद हम लोग मिठाई की दुकान में मिले हैं, है ना? अरे चाबी तो है ही नहीं, अब क्या करेंगे हम?
अंकल तैयार रहिए। अंकल गेंद न्यूट्रल पे डाल। अरे पकड़ो उनको। ओए अली जल्दी डॉक्टर कम ऑन। अवनी मोए बच्चे क्या कर रहे हो? सो रही है। मोई बच्ची फिर अखबार पढ़ते पढ़ते सो गई। नन्नो नन्नो थकान के बाद की ये नींद और मेहनत के बाद की ये सक्सेस वाली स्माइल, इसी के बीच में तो जिंदगी छुपी है। क्या है? अरे कमबख्त क्या सूंघ रहा है? नन्नू आपने हलवा बनाया ना, पता है उसकी खुशबू मुझे घर पे आ गई थी। ओह माय गॉड, द यंगेस्ट सीईओ उठ गई हैं हमारी मैडम जी। हेलो 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 मैम, कैसी हैं आप? इंडिया की यंगेस्ट सीईओ। अरे आप खड़े हो क्या देख रहे हो? जाओ जल्दी से कुछ लेके आओ यार, मीठा मीठा खिलाओ इसको, मुंह मीठा कराओ। लाती हूँ। थैंक यू अलादीन इन सब के लिए। यार जस्ट स्टॉप इट यार, इनफ। क्या थैंक यू थैंक यू? अरे मतलब कितनी बार थैंक यू बोलोगे? अपने को थैंक यू बोलते हैं क्या? हाँ देखो जैसे मैं थोड़ा ना अभी सर्वे के लिए थैंक्स बोलूंगा। एग्जैक्टली जादूगर के पिटारे में आज क्या 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 है? रैन रैन सिन्यू फोन। यार गुंडों ने इतना मारा और मेरा फोन भी चुरा लिया, यार नया फोन खरीदना पड़ा। आज इट वैसे इसमें कौन सी बड़ी बात है? अवनी तो रोज एक फोन घुमाती थी। दयावंती मेहता के पास हमारे फोन्स का पूरा एक कलेक्शन होगा। ए कंपनी ने दी मेहता इंडस्ट्रीज को टक्कर। ले बच्चे नन्नो के हाथ से हलवा खा बेटा। हमारे समाज की सोच कितनी छोटी होती है, बस इतनी सी के बेटे बाप का नाम रोशन करते हैं, खानदान का नाम आगे बढ़ाते हैं। मोई गुड़िया ने अपनी माँ को एक नई पहचान दे दी। आज मोई आयशा होती तो कितना खुश होती। अवनी तू कितनी बड़ी रॉकस्टार हो गई, कितने मैसेज आ रहे हैं बैक टू बैक, इंडिया की यंगेस्ट सीईओ कांग्रेचुलेशन, ए कंपनी को सब बधाइयां दे रहे हैं। क्या बात है।
मामा, हमारी अवनी आयशा कंपनी का नाम सबसे ऊपर शाइन करेगा। हमारी अवनी आयशा कंपनी सबसे ऊपर शाइन करेगी।